नमस्कार। आज का हमारा विषय है मीनिंग ऑफ ग्रुप डायनामिक्स एंड साइज एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्रुप। ग्रुप डायनामिक्स अर्थात समूह गत्यात्मकता। समूह गत्यात्मकता का अर्थ समझने से पहले हमें समझना होगा, यह दो शब्दों से मिलकर बना है, समूह और गत्यात्मकता, डायनामिक्स। समूह का अर्थ ऐसे जो भी जब दो या दो से अधिक व्यक्ति इकट्ठे हों, कलेक्टिविटी उनकी समूह कहलाती है। और यहाँ शब्द है डायनामिक्स अर्थ गत्यात्मकता। इसका यह एक ग्रीक वर्ड है, इसका अर्थ होता है, डायनामिक्स एक ग्रीक वर्ड है, इसका तात्पर्य यह है फोर्सेस से है, अर्थात वे फोर्सेस, इंटरैक्शन की वे फोर्सेस जो कि एक समूह को बनाए रखती है, वही समूह गत्यात्मकता कहलाता है, ग्रुप डायनामिक्स कहलाता है। अब समूह गत्यात्मकता के अंतर्गत विभिन्न उप विषयों को पढ़ा जाता है, जैसे उनके बनने के क्या कारण हैं, ग्रुप्स कैसे बनते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, ग्रुप्स के जो इंडिविजुअल मेंबर्स हैं वो कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कैसे गोल शेयर गोल को वो आगे तक लेके चलते हैं, मतलब जो एक समूह में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं वो टूट रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, वो सारी चीजें हम ग्रुप डायनामिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। यहाँ हम समूह के बनने के कई कारण हो सकते हैं, इसकी कई थियोरीज प्रतिपादित की गई है जो हम आगे आने वाले ई लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अभी तो हमें समझना है एक समूह के कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्रुप। इसमें सबसे पहला पॉइंट है साइज, यानी कि आकार। एक समूह का आकार से तात्पर्य यह है जब भी दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह बनता है, कलेक्शन होता है, वही समूह कहलाता है। अर्थात एक समूह होने के लिए पहली शर्त यह है कि उसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति होने ही चाहिए। सेकंड कंडीशन, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है इंटरैक्शन। इंटरैक्शन का तात्पर्य है आपस में विचारों का आदान प्रदान, अर्थात समूह होने के लिए यह बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि समूह के सदस्य आपस में एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करें। अब इसमें जरूरी नहीं है कि वो रोजाना एक दूसरे से मिले, आजकल इंटरनेट मीडिया आप टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है तो हम हर एक किसी भी चीज के माध्यम से इंटरैक्शन बनाए रखते सकते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया, लोग आपस में एक दूसरे से सालों नहीं मिलते हैं, बहुत दूर दूर रहते हैं, लेकिन फिर भी वो वहां पे इंटरैक्शन मौजूद होता है, तो उसको हम समूह कह सकते हैं। अतः समूह में इंटरैक्शन होना बहुत जरूरी है, समूह के लोगों में, सदस्यों में इंटरैक्शन होना बहुत जरूरी है। अगर उन्होंने इंटरैक्शन नहीं है तो वह समूह का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप है नॉर्म्स। नॉर्म्स अर्थात तौर तरीके। जब हम इनफॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप के मध्य ई लेक्चर में जब हमने यह समझा था कि फॉर्मल ग्रुप्स में रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसको संचालन के लिए, और इनफॉर्मल ग्रुप्स में नॉर्म्स होते हैं, नॉर्म्स अर्थात तौर तरीके। एक ग्रुप होने के लिए उनके इंडिविजुअल मेंबर्स में यह आवश्यक है कि तौर तरीके समान होते हैं, उनका एक तरीके का बर्ताव करने का तरीका होता है, सोचने का तरीका होता है, अर्थात उनके नॉर्म्स होते हैं और उन नॉर्म्स को हर ग्रुप के सभी सदस्यों के द्वारा उनको किया जाना, पूर्ण किया जाना आवश्यक होता है तौर तरीकों को। नेक्स्ट है कोहेसिवनेस। कोहेसिवनेस का तात्पर्य यह है कि एक समूह आपस में इंडिविजुअल मेंबर्स को कितना प्रभावित करता है, अर्थात ग्रुप एज ए होल उसके सभी इंडिविजुअल मेंबर्स को कितना प्रभावित करता है, इसे ही कोहेसिवनेस कहते हैं। इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रभाविकता रहेगी तो ज्यादा से ज्यादा ग्रुप बना रहेगा, ग्रुप चलेगा,
और जो अगर उनमें कोहेसिवनेस नहीं है तो कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएंगे, ग्रुप का बने रहना, ग्रुप टूट जाएगा, समूह भंग हो जाएगा। अतः उनमें आवश्यक है कि कोहेसिवनेस रहे, जुड़ाव रहे। नेक्स्ट इज कॉमन आइडियोलॉजी, मतलब सामान्य समान विचारधारा। एक ग्रुप में बने रहने के लिए उन मेंबर्स में आपस में समान विचारधारा होनी चाहिए। उनका किसी भी टॉपिक को लेकर, किसी भी विषय को लेके समान ओपिनियन होती है, या हम ये कह सकते हैं कि मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स की सेम ओपिनियन होती है और सभी सदस्य उसको स्वीकृत करते हैं। अतः उनमें समान विचारधारा बहती है। नेक्स्ट इज बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, उनके रिश्तों का आधार। एक समूह बनने के लिए रिश्तों का आधार कुछ भी हो सकता है, कास्ट, रिलीजन, सेक्स, फैमिली, बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से उनका समूह बना हो, उनके रिश्तों के आधार हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।